यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने पानीपत में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले 5 मुख्यमंत्रियों की पोल जनता के सामने ना खुले, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी दबाव में उनके कार्यक्रमों को झूठ बोलकर रद्द करवाने में जुटे हैं। सैनी ने कहा कि 2 महीने में अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे। अपनी नई पार्टी के बारे में कहा कि जो उनका समर्थन करेगा उसे ही टिकट मिलेगा। वहीं सैनी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी जाट को टिकट नहीं दिया जाएगा। सोनीपत में जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने वादों को भूल गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की विफलता का परिणाम यह है कि प्रदेश में जनता हर तरफ हड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के नाम पर लोगों से वोट ठगी का काम कर रही है। प्रदेश में जगह जगह बीजेपी के नेताओं के पुतले फूंके जा रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। जेल भरो आंदोलन के दौरान इनेलो के करीब 35,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी।